वालेकुम वीवर, ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 7 मरला घर है और इसका जो फाउंडेशन है वो राउट फाउंडेशन है। तो राउट फाउंडेशन आप लोगों को पता है कि वो पूरे एक स्लैब हम नीचे जो है ज़मीन पर डाल लेते हैं और वहाँ से हम अपने कालम वगैरह उठा लेते हैं। और जब आपके के जो साइल रिपोर्ट है उसमें वो शो करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने स्टेप फाउंडेशन करना है या राफ, वो बैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग के साथ जो वीडियो बना रहा हूँ वो हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग के हवाले से, और वो हम किस तरह स्टडी कर लेते हैं और फिर उसका जो राफ्ट है उसका स्टील हम किस तरह डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्राइंग जो है स्टडी करना है तो उसके जो अहम पेज है वो है जनरल नोट्स। ठीक है, आप लोगों ने जनरल नोट्स को जो है लाजिमी देखना है। जनरल नोट्स के अंदर सारा जो डिटेल है वो मौजूद होता है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है देता है कि आपका जो ड्राइंग बना है वो मतलब फ़ोटो में है, वो आपके मीटर के हिसाब से हैं किस हिसाब से। दूसरा ये है कि फिर उसमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका जो कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन है वो 3000 PSI है, 4000 है, क्या है। फिर उसके बाद जो फाउंडेशन है उसमें वो शो करते हैं कि इसका जो इस तरह यहाँ पे कि राफ्ट के लिए उन्होंने जो बैरिंग कैपेसिटी जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जियो टेक्निकल रिपोर्ट में 5.7 है। फिर उसके बाद कि आपका जो स्टील है वो कौन सा होगा, मतलब 40 ग्रेड है, 60 ग्रेड है। उसके बाद फिर साथ में और जनरल नोट्स होते हैं, उसमें ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि आपका जो कंक्रीट कवर है वो कितना है, बीम के लिए कितना है, उसके लिए कालम के लिए, फुटिंग के लिए ये। उसके बाद फिर ओवरलैप आप किस हिसाब से देते हैं वो सारा, फिर जो डॉटेड बार है उसका क्या मकसद है कि वो क्या शो कर लेते, ये सारा डिटेल जो है आपके जनरल नोट्स में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके जो बीम के जो सेक्शन हैं टिपिकल सेक्शन, उसमें वो ये शो कर लेते हैं कि जो आप लोग नेगेटिव बार देते हैं वो किस हिसाब से देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक कालम है और एक कालम ये है, इसके जो इफेक्टिव स्पैन है मतलब सेंटर टू सेंटर जो इसका जो स्पैन है, डिस्टेंस है, उसको उन्होंने L1 के नाम से शुरू किया। और चूँकि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू केस है, मतलब आगे कोई बीम नहीं है, कोई स्लैब का पोर्शन नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इस सेंटर से जो आप लोग एक्स्ट्रा बार देंगे, नेगेटिव बार देंगे, तो L1 को आप ज़रब देंगे 0.25 से, और जहाँ पे कंटिन्यू केस है तो वहाँ पे आप लोग 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे L2 या L1 के हिसाब। और उसमें आप लोगों ने ये देखना है कि अगर ये स्पैन बड़ा है तो इसके हिसाब से करेंगे, अगर ये स्पैन बड़ा है तो इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 135 जो हम हुक देते हैं 90 डिग्री का हुक देते हैं उसका डिटेल होता है, जॉइंट वगैरह का डिटेल होता है। ये हमारा है राफ्ट फाउंडेशन, ये उन्होंने कह फाउंडेशन लेआउट प्लान, लेकिन ये है राफ्ट फाउंडेशन। ठीक, अब राफ्ट फाउंडेशन में उन्होंने ये शो किया है कि स्टील जो है वो मैन कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टॉप कौन सा होगा, बॉटम कौन सा होगा। यहाँ से इन्होंने इस कालम से निकाला है 18 इंच, और इधर से भी उन्होंने इस कालम के सेंटर से निकाला है 18 इंच जो हमारा राफ्ट है। अब यहाँ पे जब आप लोग गौर से देखें तो एक ये हमारे पास है, ये जो बिल्कुल डार्क लाइन है ये शो करते हैं बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये डार्ट लगाया, डार्ट का मतलब ये है कि ये बार हैं और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और फिर जब इसको हम आगे तक लेके जाते तो ये तीर का निशान एक इधर है और फिर वही तीर का निशान यहाँ ये है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शार्ट डायरेक्शन है उसमें आपका जो स्टील है, ये देखिए ये इन्होंने जो स्टील शो ये वाला है इस तरह, और ये इन्होंने किया है हैश का मतलब है डाया बार। ठीक है, 4 सूत्र का सरिया है, 7 इंच पे है, बॉटम थ्रू मतलब थ्रू इस तरह जो हमारे शार्ट डायरेक्शन में स्टील होगा वो 4 सूत्र होगा और 7 इंच पे होगा। फिर इसका जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये वाला बॉटम का, ये उन्होंने किया कि यहाँ से ये दिख तीर का निशान दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मतलब इस यहाँ से इस तरह डालना है
और इधर से लेकर यहाँ तक, और वहाँ भी उन्होंने ये किया है कि 410 सरिया है, 7 इंच पे है बॉटम थ्रू। फिर जो डॉटेड है, डॉटेड का मतलब ये है कि ये टॉप बार है, ये जहन में रखें, ये टॉप बार है, ये आपका इधर नहीं। कभी कभार ना ये मिस्टेक जो प्रेस इंजीनियर हैं या सुपरवाइज़र ठेकेदार कर लेते हैं, तो इसको देखते कि यार ये देखे जो यहाँ पे जो मेरे सुपरवाइज़र था वो कह रहा था कि जी ये जो सरिया है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो ये शो किया है, ये जो डॉटेड डॉटेड है, ये उन्होंने 300 का किए। तो फिर मैंने उसको समझाया। अब ये है कि जो डॉटेड का मतलब है टॉप बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे डॉटेड हुए हैं, ये वाला लाइन इसी तरह, और ये उन्होंने शो किया है कि यहाँ पे ये भी तीर निशान दिए हैं यहाँ तक, ये देखें। और उसमें उन्होंने शो किया है कि जो स्टील है ये वाला, ये जो डॉटेड है ये कितने पे हैं, देखिए डाया बार 370 हैं और 8 इंच पे टॉप थ्रू। और फिर इसी तरह जो ये वाला बार है ये, और ये उसने तीर का निशान दिए, ये देखे ये इसी तरह। और उन्होंने जो शो किए हैं वो ये है, ये ठीक है, ये हैं, और 370 8 इंच पे टॉप। मतलब इसका ये है कि जो टॉप और बॉटम है उन्होंने उस पैसिंग नीचे 7 इंच का रखे और ऊपर 8 इंच का 370। अब मैं इसके सेक्शन पे जाता हूँ, ये इसका सेक्शन है, ये देखिए ये इसका सेक्शन है। और उस सेक्शन में उन्होंने ये शो किए हैं कि ये जो सरिया है और ये सरिया है, तो ये दोनों सरिये हैं हमारे 410 के 7 इंच पे, और ये जो टॉप वाला है उन्होंने शो किया है 370 8 इंच में। तो यहाँ से सेक्शन में भी आपको वो शो करके देता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। फिर ये है कि यहाँ पे लीन हमारा जो है 3 इंच है पीसीसी, फिर उसके बाद 9 इंच हमारा यहाँ पे राफ्ट है। तो ये हमारा जो है डिटेल है उसके राफ्ट के, और इंशाल्लाह मैं अभी ना साइड पे जाके भी आप लोग को दिखा, उसी ड्राइंग में शो किया था। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और चीज़ है जो आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आप लोगों ने ना राफ फाउंडेशन करना है, तो उससे पहले सरिया बिछाने से पहले आप लोगों ने अपने कॉलम को मार्क करना है, नीचे सही तरीके से लेआउट करके आप लोगों ने कॉलम को मार्क करना है। कभी कभार ये होता है कि जब आप लोग पूरा स्टील बांध लेते हैं उसके बाद आप लोग लेआउट कर लेते हैं, तो जाहिर बात है कि सरिया के ऊपर लेआउट नहीं हो सकता, तो वहाँ पर फिर आपके जो कॉलम हैं वो सेंटर से आउट हो जाते हैं और वो फिर जगलिंग करना पड़ता है, जो बेसिकली नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो आप लोगों ने ख्याल करना है। अब जो जिस तरह मैंने ड्राइंग में आप लोगों को दिखाया था कि ये हमारा जो इस तरफ सरिया चल रहा है ना, ये हमारा 410 है, इसका जो डिस्टेंस है बीच में वो है 7 इंच का, और ये जो इस तरफ चल रहे हैं ये भी 410 का है और इसका भी 7 का है। मतलब इसका जो ये खाना बना हुआ है ना ये वाला, ये 7x7, ये यहाँ से भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल स्क्वायर है। और जब आप लोग नीचे बॉटम कंप्लीट करेंगे तो फिर आप लोग स्पेसर देंगे, स्पेसर के बाद जितना भी सफाई हैं जो यहाँ पे वो आप लोग करेंगे। कोशिश करें कि आपका जो लीन हो वो बिल्कुल डस्ट और मिट्टी से साफ हो। फिर उसके बाद जब आप नीचे जिस तरह यहाँ पे हमने अपना बॉटम जो जाला है मेश है उसको कंप्लीट किए, फिर उसके बाद आप लोगों ने गोली लगाना है, इसको चेयर कहते हैं ये, और वो जो चेयर हैं वो आप लोगों ने इसी हिसाब से बनाना है कि टोटल यहाँ पे थिकनेस हमारा 9 इंच है। तो नीचे उन्होंने जो जनरल नोट्स में दिया था स्पेसर का थिकनेस वो 2 इंच था, तो 2 इंच हमारा वो निकल गया। फिर उसके बाद हमारा तकरीबन 1 इंच ये बनता है 410 का, और फिर ऊपर हमारा तकरीबन 3-6 वो बनते हैं, और 1 इंच तकरीबन 1-1.5 इंच हमारा ऊपर मसाला होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर आप लोगों ने अपना जो चेयर है वो बनाना है, जो यहाँ पे हमारा चेयर बन रहा है ये तकरीबन कोई 4.5 इंच के करीब इसका जो है चेयर है जो हमने बनाया है। तो ये आप लोगों ने जब चेयर बनाने तो ख्याल करना है कि वो ना बहुत ज़्यादा छोटे हो और ना बहुत ज़्यादा बड़े हों,
क्योंकि छोटे हो तो आपका जो ऊपर वाला कंक्रीट है वो ज़्यादा आएगा, और अगर वो चेयर का जो हाइट है वो ज़्यादा हो तो आपका फिर ऊपर जो कवर है वो कम रह जाते हैं। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना। अब ये जो हमने जगह जगह पे गोड़ी लगाए हैं, अब इसके ऊपर हम ये जो टॉप वाला जो 300 सरिया है वो अभी हम एक एक लड़ी बांध लेते हैं, फिर ड्राइंग के मुताबिक हम उसको 8-8 पे डाल देंगे, और इसी तरह पूरा जो राफ्ट है वो जो राफ्ट कंप्लीट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है। और इसका जो टॉप बार है ना, जिस तरह मैंने ड्राइंग भी दिखाया था 8x8 का, तो उसका भी जो जाला है वो कंप्लीट हो गया टॉप मेश। यहाँ पे आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जो नीचे हैं, नीचे आप लोगों ने जो मेन बार है ना, इसी तरह वो पहले डालना है, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में डालना है। टॉप पे फिर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पहले डालना है और मेन ऊपर डालना है, ये ख्याल करना है। कभी कभार ये गलती होते हैं इंजीनियर से या सुपरवाइज़र से कि वो जिस तरह नीचे ही उन्होंने डाला है तो ऊपर भी इस तरह डालते हैं, स्टील पैक्सर से भी अक्सर ये गलती होती है। तो ये ख्याल करना है क्योंकि नीचे जो बॉटम वाला है वहाँ पे डाउन की तरफ प्रेशर है, और जो ऊपर वाला है वहाँ पे ऊपर की तरफ, जिसको हम अपलेट प्रेशर कहते हैं। तो जो अपलेट प्रेशर है तो वहाँ पे जाहिर बात है कि उसमें ऐसा जो है ना प्रेशर की वजह से ऊपर टॉप पे इसका क्रैक जनरेट होगा। तो उसको रुकवाने के लिए आप लोगों ने जो टॉप बार हैं मैन, वो आप लोगों ने टॉप पे डालना है और उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन डालना है। जिस तरह ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा टॉप पे जो है मैन बार है और इसके नीचे हमने डिस्ट्रीब्यूशन डाले, और नीचे हमने पहले मैन डाला था फिर उसकी बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन डाला था। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है। फिर उसके बाद जो जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने मार्किंग की है कालम का, तो उसके जो कालम है उसके डबल कड़ी करनी है, वो इस हिसाब से करना है ताकि आपका सरिया ज़ाया ना हो, वो हिसाब आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। और फिर जो चेयर वगैरह है वो ख्याल करना है, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देना है ताकि आप लोगों का जो दरमियानी वाला स्पेस है वो एस पर ड्राइंग बरकरार रहे। फिर जो हमारे ड्राइंग में यहाँ पे सेप्टिक टैंक है उसके लिए हमने डबल निकाल दिए हैं, और इसके अराउंड हम लगा देंगे वाटर स्टॉपर। यहाँ पे हमारा ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है इसकी भी हमने वाटर स्टॉपर जो है वो लगा दिए। वाटर स्टॉपर जो है बेसिकली उसका मकसद ये है कि जब हम यहाँ पे कंक्रीट करेंगे और ऊपर जब इसकी दीवार के हम कंक्रीट स्टार्ट करेंगे तो इसके जो बीच में जो जॉइंट है तो वहाँ पे लीकेज का ख़तरा होता है पानी का। तो चूंकि वाटर स्टॉपर जो है वो रबड़ का होते हैं, तो अभी जो हम कंक्रीट करेंगे तो आधा उसके अंदर आ जाएगा और आधा जो ऊपर वाला कंक्रीट वाल का हम करेंगे तो उसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जहाँ पे इसका जो जॉइंट होगा तो वहाँ पे फिर जो है जो हमारा वाटर स्टॉपर है उसका कुछ पार्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से फिर लीकेज नहीं होगा, ये ख्याल करना है आप लोगों ने। वाटर स्टॉपर ज़रूर लगाना है। और उसके बाद फिर जो फाइनल उसका स्टेज है वो है बुराई का, कंक्रीट का। तो फिर आप लोगों ने ड्राइंग के मुताबिक उसका जो है बुराई स्टार्ट करना है। जो यहाँ पे हमारे पास उसका जो थिकनेस है वो 9 है और 3000 PSI हमारा कंक्रीट है। और सिंपल ये है कि रेड़ी के हिसाब से दो रेड़ी जो है हमारा क्रश है, आधी आधी डाउन और एक रेड़ी लेवल, ये ख्याल करना है ज़्यादा ना हो सारे लेवल हो, तो वो हमारा जो है रेत है और एक बुरी सीमेंट है। ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक डब्बा है, ये जो है इसका जो वॉल्यूम है वो 2.5 CFT है, तो इसमें दो बैग सीमेंट आता है। तो ये आप लोगों ने एक उसका डालना है रेत का और दो उसको डालना है क्रश का, तो आपका जो पैमाना है 3000 PSI की वो पूरा हो जाएगा, और इस तरह आप लोगों ने फिर बुराई करके कंप्लीट करना है। ये हमारे पास आधी जो है आधी डाउन क्रश है और वो आधी है, और ये हमारे पास रेत है। तो एक डब्बा जो मैंने आप लोगों को जो बॉक्स जिसका जिक्र वीडियो में किया, एक वहाँ से भरना है, एक आधी डाउन से भरना है और एक रेत से भरना है लेवल, और फिर एक बोरी सीमेंट। और ख्याल करना है कि पानी भी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना भी पानी ज़्यादा होगा उतनी आपका कंक्रीट का जो हमने बुराई स्टार्ट कर काम हो। तो एक आप लोगों ने और ख्याल करना है वो ये है कि नीचे जो स्पेसर है ना, ये देखिए जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, ये हमने वो मार्बल की पीस दिया है 2 का, और ये एज पर ड्राइंग है, वो ड्राइंग में मेंशन करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर के आप लोगों ने स्पेसर कितना देना है और नीचे से कंक्रीट कवर कितना है। यहाँ पे हमारे ड्राइंग के मुताबिक 2 है, तो ये भी आप लोगों ने ख्याल करना है कि आपका सरिया नीचे लीन के साथ टच ना हो,
और दूसरा जो कंक्रीट यहाँ भी हम बना रहे हैं ना, तो ये देखिए माल थोड़ा सा ना गोल हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि जितना भी आपका वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही आपका स्ट्रेंथ के ऊपर जो है असर पड़ेगा। तो वो भी आप लोगों ने कंट्रोल करने, पानी को आप लोगों ने खासकर कंट्रोल करने, और वाइब्रेटर जो है आप लोगों ने लगाना है। फिर कोई जितना आप लोग का बराई है ना उसी हिसाब से आप लोगों ने या तो टेप लगाना है सुरक्षण टेप के साथ, और या आप लोगों ने कोई कैंडा बनाना है जिस तरह यहाँ पे ये जो मैसन है इनके पास ये स्टिक नज़र आ रहे हैं, तो ये इसी तरह नवीज के ऊपर आप लोगों ने निशान करना है। हमारा नवीज बराई है तो आप लोगों का जितना भी बराई उसी हिसाब से आप लोगों ने उसका जो है एक निशान करना है, और उसी हिसाब से आप लोगों ने अपना जो बेड है उसका थिकनेस है वो आप लोगों ने यकीनी बनाना है कि वो कितना, मतलब आपके ड्राइंग 12 इंच है, 15 इंच है, 9 इंच है, जो भी है, तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है। और इसी तरह आप लोगों ने अपना बुराई जो है उसको कंप्लीट करना है। फिर जितने भी आपके कालम है उसको आप लोगों ने बुराई के बाद उसको बिल्कुल साल में करना है।